एक बार की बात है, अग्राबा के हलचल भरे शहर में अलादीन नाम का एक दयालु लड़का रहता था। एक दिन रहस्यमय सड़कों की खोज करते समय उसकी नजर एक धूल भरे पुराने लैंप पर पड़ी। उसे क्या पता था यह कोई साधारण दीपक नहीं बल्कि जादुई चिराग है। जैसे ही अलादीन ने दीपक को रगड़ा, चमचमाते धुएं का एक भंवर बाहर आया जिससे स्पार्कल नाम का एक शरारती लेकिन मिलनसार जिन्न प्रकट हुआ। स्पार्कल ने अलादीन को 3 इच्छाएं दी, लेकिन एक दिक्कत थी, इच्छाओं का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए किया जाना था। अलादीन ने करुणा से भरे हृदय के साथ अग्रबा के जरूरतमंद बच्चों के साथ साझा करने के लिए अंतहीन भोजन और खिलौनों की कामना की। जैसे ही अलादीन की निस्वार्थ इच्छाएं पूरी हुई, शहर खुशी और हंसी के स्थान में बदल गया। एक दिन जफर नाम के एक लालची जादूगर को अलादीन के जादुई चिराग के बारे में पता चला और उसने अपनी इच्छाओं के लिए इसे चुराने की योजना बनाई। जफर ने अलादीन को दीपक के जादुई बंधन से मुक्त कराने के लिए उसकी आखिरी इच्छा का इस्तेमाल करते हुए उसे धोखा दिया। जैसे ही जफर को अपनी नई शक्ति का आनंद मिला, अग्रबा में अराजकता फैल गई। चीजों को सही करने के लिए दृढ़ संकल्पित अलादीन ने अपने वफादार दोस्तों के साथ जादुई चिराग को पुनः प्राप्त करने का रास्ता खोजा। साहस और दोस्ती से भरे एक रोमांचक साहसिक कार्य में अलादीन ने चुनौतियों का सामना किया और चालाक जादूगर को परास्त कर दिया। स्पार्कल और उसके दोस्तों की मदद से अलादीन ने जफर को एक बार फिर कैद करके दीपक को वापस पा लिया। अंत में अलादीन को पता चला कि सच्चा जादू सिर्फ इच्छाओं में नहीं है, बल्कि उस दयालुता में भी है जो हम दूसरों के प्रति दिखाते हैं। जब अलादीन ने अपने प्रिय शहर की भलाई के लिए जादुई चिराग का उपयोग करना जारी रखा, तो अग्रबा फला फूला, जिससे साबित हुआ कि सबसे शक्तिशाली जादू एक उदार हृदय का जादू है। और इस तरह अलादीन और उसके जादुई चिराग की कहानी पूरे देश में बच्चों के दिलों में एक पसंदीदा कहानी बन गई।